नमस्कार, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। अब बहुत सारा लॉग एक्स दिख रहा है, बहुत सारा तो नहीं लेकिन दो तो दिख ही रहा है। स्क्वायर है यहाँ पे, लॉग एक्स को टी मान के कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि फिलहाल आप क्या सोच सकते हैं इसमें, स्क्वायर अगर ऊपर नीचे देंगे तो नीचे एक्स्ट्रा स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी एक स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, आसान तो नहीं होगा। एक बार लॉग एक्स को टी लेके देखते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो x है वो e पावर t हो जाएगा, तो dx हो जाएगा e पावर t dt, ठीक है? तो जहां जहां log x है वहां वहां t आ जाएगा। तो t माइनस वन वन प्लस t स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, और dx के जगह e पावर t जो है वो इधर लिख लेते हैं dt। अब क्योंकि e पावर t का एंट्री हो चुका है तो आपके दिमाग में एक चीज चल जाना चाहिए कि e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का अगर कुछ हो तो प्रॉब्लम बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली e पावर x एफ एक्स होता है। चलिए देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। वन प्लस टी स्क्वायर है, ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे अब स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा टी प्लस वन का स्क्वायर, नीचे वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? यही से फंक्शन और डेरिवेटिव हमें निकालना है किसी भी तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं, ऊपर एक्सपेंड करके देखते हैं एक बार क्या बनेगा। एक्सपेंड अगर किया तो टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन बनेगा, तो उसमें से टी स्क्वायर प्लस वन को एक साथ रख लेते हैं और उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, और जो टू टी बना उसको अलग रख लेते हैं, ठीक है? और डी टी, यहां तक तो सही चल रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, टी माइनस वन था, यहां तो टी स्क्वायर प्लस वन ही होगा, लेकिन यहां माइनस टू टी हो जाएगा। t माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है? तो एक तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये वन बाय एक्स का काम कर रहे हैं और ये माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव के टर्म्स में देखो इसको, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स इज माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, फर्दर वन प्लस टी स्क्वायर का चेन रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज टू टी। नहीं समझ में आ रहा है तो हम अलग से फंक्शन लेके देख सकते हैं। वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इसका करना है, ठीक है? तो पहले तो ये वन बाय एक्स टाइप का है, या फिर आपको उतना भी क्लियर नहीं हो रहा है तो वन प्लस टी स्क्वायर का पावर माइनस वन लिख लो। तो सबसे पहले तो पावर का होगा, तो माइनस वन सामने आएगा, पावर एक कम होगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब अंदर जाएंगे तो वन का जीरो और टी स्क्वायर का टू टी, मोर ओवर ऊपर माइनस टू टी बन गया, और जब ये नीचे जाएगा तो वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव आ गया जब ये फंक्शन लिया आपने। तो ये अगर एफ ऑफ टी है तो ये हमारा एफ डैश टी है, दैट मीन्स कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा ई पावर टी एफ ऑफ टी, दैट मीन्स वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी वापस रख दो जो माना था लॉग एक्स, तो ई पावर लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। नीचे तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन ऊपर, क्योंकि हम लोग कैलकुलस में लॉग बेस ई ही लेके चलते हैं, तो ये लिखा हुआ ई पावर लॉग एक्स बेस ई, तो ये हमारे पास एक्स होता है लॉग में। अगर ये दोनों चीज सेम हो तो बस अंदर वाला चीज बाहर आ जाता है एज आउटपुट। तो ऊपर हो गया एक्स और नीचे
वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था, आ चुका है जेई में, बहुत पुराना प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप था, इतना अगर आपने कर लिया, और ये भी सोचना था कि ऊपर स्क्वायर ओपन करना, अदरवाइज तो आसान था, लेकिन यही दोनों चीज़ कभी कभी सोचने में नहीं आ पाता तो प्रॉब्लम ये डिफिकल्ट लगता।